फाइनाइट लाइफ का प्रॉब्लम है रिवर्स लोडिंग का, फ्लक्चुएटिंग लोडिंग डिज़ाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोडिंग का। मशीन डिज़ाइन का न्यूमेरिकल है, ये एस एन कर्व के ऊपर बेस है, जिसमें कि फाइनाइट लाइफ से एन की वैल्यू 20,000 की, मतलब कुछ भी गिवन होती है, एन गिवन होता है, जिसमें हमको फैटिक स्ट्रेंथ निकालना पड़े या कुछ भी निकालना पड़े। नॉर्मली देखें तो क्या ये फाइनाइट लाइफ का प्रॉब्लम है रिवर्स लोड में। तो कैसे करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि रोटेटिंग बार है मेड ऑफ स्टील 45C8, मतलब एक रोटेटिंग बार है स्टील का बना हुआ है 45C8, उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रखिए 630 Nm², उसको सब्जेक्टेड टू कम्प्लीटली रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब कम्प्लीटली यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, अब बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है। पिछले वाले केस में हमें एक्सियल फोर्सेस लगी थी दोनों तरफ से खींचे, लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है, हमने को बेंडिंग है, तो इस चीज़ को बेंड होना, ये बेंड लग रही है यहाँ पे। कैलकुलेट द फैटिक स्ट्रेंथ ऑफ द बार फॉर द लाइफ ऑफ द 90,000 cycle, यहाँ पे हमको फैटिक स्ट्रेंथ निकालनी है, फैटिक स्ट्रेंथ ऑफ द बार फॉर द लाइफ ऑफ द, मतलब एस एफ की वैल्यू निकालनी है फॉर द गिवन लाइफ, फॉर द लाइफ ऑफ 90,000 cycle। सो उसका पहले ये मशीन डिजाइन की डेटा बुक है, इसमें से देखते हैं कि एस एन कर्व ये अलाउड होता है बुक में, पेपर में। तो कैसे बनता है ग्राफ फाइनाइट और इनफाइनाइट लाइफ का, अपना क्या फाइनाइट लाइफ का प्रॉब्लम है, तो इतना सेक्शन होगा ग्राफ का, वो कंसीडर करेंगे, बस सिर्फ इतना सेक्शन ग्राफ का ये कंसीडर करना है। तो सबसे पहले अपर कर्व जो होता है ये 3 से 6 के बीच में स्टार्ट, इसे 3 से वाली वैली नहीं लेते हैं, 3 से स्टार्ट होता है और 6 से स्टार्ट होता है। तो 3 पे वैली कितनी होती है वाली अपर कर्व, log 10.10 SUT, मतलब ये वाली कितनी वैली है log 10.9 SUT। अब log 10.9 SUT सबसे पहले निकाल लेते हैं, log 10.9 SUT अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 630, तो ये कितना हो जाएगा, log 10.9 SUT कल 2.7 ये हो जाएगी 2.7536, log 10.9 SUT इसकी वैल्यू आ गई 2.7536। अब ये निकल गया, यहाँ पर 6 वैल्यूज आएगी, ये वाली 6 वाली यहाँ पे आएगी, ठीक है, और यहाँ पर आएगी log 10 SE, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा log 10 SE, ठीक है, log 10 SE। log 10 SE क्या हो जाएगा बताता हूँ, एक चीज़ क्या कि जो एंडोरेंस करेक्ट एंडोरेंस लिमिट ऑफ बार दे रखी है 315 Nm², दो होती है, एक होता है एक SE और एक होता है SE-, SE और SE-, SE जो होता है वो क्या होता है किसी भी कंपोनेंट की करेक्ट एंडोरेंस लिमिट, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट हो गया। अगर क्वेश्चन में बोले कि करेक्ट है तो हम SE, वो SE की बनोगे, इसलिए करेक्ट एंडोरेंस तो SE की बना। अगर बोले कि वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, मतलब एंडोरेंस लिमिट स्टैंडर्ड है, स्पेसिमिन स्टैंडर्ड होगी तो क्या होगी SE-, कभी भी अगर स्टैंडर्ड वर्ड आ जाए तो आप बोल दें कि स्टैंडर्ड एंडोरेंस लिमिट, तो वो हो जाएगा SE-, और SE क्या करेक्ट एंडोरेंस लिमिट, तो 0.9 log 10 SE की वैल्यू 315, तो ये हो जाएगा अपना log 10 2.4 2.4983, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं log 10 90,000 cycle, क्यों निकालने वाला, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो पता चल गया, ये वाला कितना हो गया 2.4 2.4983, ठीक है। तो ये जो अब 6 पर वैल्यू ऐसी है, यहाँ पे ये लाइन ऐसी होगी, ये लाइन ऐसे आएगी, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है। इसके बाद अब देखते हैं हम, यहाँ पर कहीं करीब इसके बीच में कहीं पे एक SF वैल्यू आएगी, SF क्या है फटीक स्ट्रेंथ, लेट कर फटीक स्ट्रेंथ बीच में आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो नीचे यहाँ पर N की वैल्यू दे रखी है 3 और यहाँ पे N की वैल्यू दे रखी है log 10 N, ये वैल्यू है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फटीक स्ट्रेंथ ये निकालना है हमको। तो ये नॉर्मल है, तो log 10 90,000 की वैल्यू कितनी हो गई, जो हो जाएगी 4.9542 हो गई। तो अब log 10 90,000 इसकी वैल्यू आ गई अपने को 4.9542। इस पॉइंट के अबाउट ये निकालना है, तो पहले हम क्या करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा अपना x की वैल्यू 3, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 2.3, x की वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 2.7536, ये अपना x1 ये y1 लेट कर लिया। दूसरा पॉइंट एक ही वाला पॉइंट और एक ही वाला पॉइंट, इस पॉइंट के बाद दो पॉइंट मिलेगा तभी तो मैं लाइन की क्वेश्चन निकालूंगा। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 6 और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2.4983। तो अब पहले मैं स्लोप निकाल लेता हूँ, स्लोप कैसे निकलेगा, लाइन की इक्वेशन ही निकालनी है सिंपल सी। सो y-y1 x2 मान लिया इसको y2 मान लिया, y-y1 is 2.7536 = y2-y1,
2.4983 minus y2 minus y1 2.7536 y2 minus y1 x2 upon 6 minus 3 into x minus x1 क्या तीन वैल्यू हो जाएगा y minus 2.7536 equal to इसका डिफरेंस लेंगे इन दोनों का तो अगर माइनस में होगा स्लोप की वैल्यू ये स्लोप की वैल्यू आएगी जैसे समथिंग लाइक डिवाइडेड बाय 6 में से 3 या 3 बचेगा तो इस टोटल की वैल्यू मैंने निकाल ली माइनस 0.0851 इनटू x माइनस 3 तो मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए लाइन की इक्वेशन डजंट नीड इट वी कैन आल्सो गेट इट फ्रॉम हियर क्या मतलब क्या कि मतलब इतने 90,000 एन साइकिल के लिए तो 90,000 क्या हो गया log 10 90,000 ये x की वैल्यू हो गई तो यहाँ पे स्केल लिख देते हैं माइनस 0.0851 इंटू x की वैल्यू आ गई थी 4.9542 माइनस 3 y माइनस 2.7536 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी ये चीज़ उधर चली जाएगी प्लस में हो जाएगी 2.7536 तो y की वैल्यू आ जाएगी आंसर 4.9542 माइनस 3 तो y की वैल्यू जाएगी माइनस 0.1663042 प्लस 2.7536 इसकी वैल्यू है प्लस इसमें प्लस आएगा 2.7536 ये प्लस वैल्यूज यहाँ ब्रैकेट लगा देना चाहिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी करीब 2.42 तो वाई की वैल्यू आएगी 2.4286 ये वाई की वैल्यू एक्चुअली में SF की वैल्यू नहीं है ये अपनी आई है log 10 SF क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें log के बेसिस पर होता है इधर log के बेसिस पर चलता है दिस इज इक्वल टू द log 10 SF SF इज अ फिटिंग स्ट्रेंथ अपने को SF निकालना तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 2.4286 10 की पावर आंसर ये 286 आ गया तो SF इज द बेंडिंग स्ट्रेस कितना आ गया 268.29 न्यूटन अमाउंट स्क्वायर थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो 268.29 न्यूटन ये बिल्कुल ही अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है क्योंकि अगर 2.4286 ना लेके अगर मैं 2.5 भी अगर ले लूँ राउंड ऑफ करूँ अगर 2.5 तो 10 की पावर अगर 2.5 करूँ तो वो करीब 316.22 हो जाएगा जैसे मैंने देखा यहाँ पर तो पॉइंट का फर्क होने से तो कितना गैप आ गया 268 से 316 का फर्क हो गया तो इसलिए थोड़ा डेसिमल्स को लेके चलना पड़ता है 268.29 न्यूटन मीटर स्क्वायर दिस इज द करेक्ट वैल्यू थैंक्स फॉर वॉचिंग